सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की और बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेदा गिरिडीह। 15,000 रुपए बकाए को लेकर एक व्यक्ति की पिटाई से हुई मौत, हत्या का लगा आरोप, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। शहर के भंडारी डी में अलग संगठन बना रहे 10 से अधिक अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तार अभियुक्त है अलग अलग जिले से। और भाजपा OBC मोर्चा के प्रशिक्षण शिविर को लेकर हुई बैठक, पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष, शिविर के बारे में की चर्चा। जिला में 15,000 रुपए बकाए को लेकर पिटाई में एक व्यक्ति की मौत हो गई। पिटाई इस तरह हुई कि अधेड़ की जान चली गई। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बंदर कूपी की है। मृतक इस गांव का रहने वाला 55 वर्षीय वासुदेव साहू था। इस मामले में हत्या का आरोप अजीत पांडे, प्रभाकर पांडे पर लगा है। मृतक ठेला पर गोलगप्पा बेचने का काम करता था। घटना को लेकर मृतक की पत्नी सुनीता देवी और भतीजा राजा साहू ने बताया कि लॉकडाउन के समय मकान बनाने के लिए वासुदेव के पुत्र सुजीत साहू ने 50,000 रुपए कर्ज लिया था। इसका ब्याज भी समय समय पर देता था। इस बीच उसने 35,000 रुपए वापस कर दिया था। 15,000 रुपए बाकी बचा हुआ था। इस रकम के लिए लगातार वासुदेव को प्रताड़ित किया जा रहा था। गुरुवार की शाम वासुदेव गोलगप्पा बेचकर वापस घर लौटा था। इस बीच चारों ने घेर कर पहले पैसे की मांग की। वासुदेव ने कहा कि पुत्र को आने दीजिए, धीरे धीरे पैसे वापस कर दिए जाएंगे। दोनों का कहना है कि इस बीच अजीत ने हमला कर दिया, जिससे वासुदेव गिर गया। इसके बाद मामले को दबाने का प्रयास किया गया। वहीं वासुदेव की तबीयत बिगड़ती गई। बाद में सदर अस्पताल लाया गया, यहां वासुदेव ने दम तोड़ दिया। दूसरी तरफ इस मामले की जानकारी मिलते ही सदर SDPO अनिल कुमार सिंह, इंस्पेक्टर विनय कुमार राम दल बल के साथ घटना स्थल बंदर कूपी पहुँचे और छानबीन शुरू कर दी है। गाड़ी पे सब पागल आ गए, हमने मार के पटक दिया, नट दब के फट गया। मोड़ दिया दौड़ के, हमने दौड़े कांधे लाग गए, हुआ लाग गए, हमने कर लाग गए, मैया पापा कर लाग गए। किसके साथ झगड़ा हुआ? हाँ, किसके साथ? कुछ को घर में हल है। झगड़ा किस लिए हुआ था? अजीत पांडे से। झगड़ा किस लिए हुआ था? पैसा लेना हुआ है अजीत पांडे से, पैसा मांगा हुआ है, दो हमारा पैसा। कितना पैसा बाकी था? 30,000। कौन लिया था? हमारा बेटा लिया था। मारा कौन? मारा कौन? मार दिया अजीत पांडे। मारा तो बेटा का नाम क्या आपका? सुजीत था। अच्छा, मारने वाला कौन कौन सब है? सब आगे लगे। नाम बताइए। नाम बताने के नाम बोलिए। भाकर पांडे, अजीत पांडे, विष्णु पांडे, लीलो साह, सब आगे लिए। आज क्या हुआ? मुख्य सरपंच साहब बोलो। आज क्या हुआ था? आज आज पहले मारा सर, पंचायती बैठाया था, पंचायती बैठाया, मार के करने के लिए बोला, मजदूरी करके पैसा इनका वसूल करेंगे तो बाहर चल के काम करने के लिए। तब बोले कि बाबू पैसा इनका जो बकाया, उनको बोले कि हाँ दे देंगे, अगला महीना तक हम देंगे, कंप्लीट कर देंगे। उतने का मान लिया, पैसा लिया है बेटा, बाप खाया, बाप को मार के जान ले लिया, जान से इनको हाथ धोना पड़ गया। बिजनेस मतलब वही, मतलब घर बनाने के लिए दिए हुए थे, तो लॉकडाउन का समय चला, लॉकडाउन में लिए थे, लॉकडाउन से पहले लिए हुए थे, तो सूद देना पड़ा था, सूद भी दिए। जब तक सूद दिए तब तक कोई हाल करके नहीं था। फिर बोला कि जो पैसा है, तो हम बोले अच्छा ठीक है, पैसा आपका जितना भी सारा आप लोगों को मिल जाएगा, आप बेफिक्र रहिए, और जितना भी पैसा, एक रुपया भी आप लोग का बेमानी नहीं होगा। तो पैसा उनको 35,000 रुपया, हम रामनवमी को अष्टमी के दिन, वो पुजारी हैं यहाँ पे, रामनवमी बंदर कुप्पी सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति, वहाँ पे मंडल में पुजारी भी है, तो हम उनको ला बोले कि आप लीजिए पैसा, जो आपका बकाया है महीना, तो महीना 4 महीना का समय दीजिए, 16 रुपये में ज़्यादा बचता नहीं है, 2-4-5 रुपया करके कमाते हैं, पेट पाल रहे हैं, ठीक है। 2 छोटा छोटा बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, 105 साल का है, वो सब रोजी रोट यार किस तरह चल रहा था। तो हम बोले समय एक दो महीना का लिए हुए थे, तो उतने में मतलब आज शाम को आके इनको हावी बोल के सब लोग इनको जान से ही मार के ख़त्म कर दिया। और अभी भी छोटा सा बच्चा है, उन लोग का खाना आज ऐसा स्थिति हो गया है कि खाने तक मोहताज है बच्चा लोग। और जो कौन कौन मारा था?
अजित पांडे, प्रभाकर पांडे और डीलो साहब। शहर के भंडारीडी निवासी दो व्यक्ति शुक्रवार को नमाज अदा कर वापस जाने के क्रम में अपना अलग संगठन बना रहे 10 अभियुक्तों ने दोनों लोगों को घेर कर गाली गलौज कर उनके साथ मारपीट किया, साथ ही जान से मार देने की धमकी भी दी गई। संगठन बना रहे अभियुक्तों द्वारा मुस्लिम समाज के कम पढ़े लिखे लोगों को जबरदस्ती शकील बिन हनीफ को पैगंबर मनाने के बरगलाने का काम करता है। घटना के दौरान हो हल्ला के बाद आसपास के लोग भी जमा हो गए। अभियुक्तों द्वारा तरीक के सर पर रोड से वार कर बुरी तरह घायल कर दिया। वहीं एक अन्य अभियुक्त ने भुजाली से वार किया जिससे दूसरे व्यक्ति सरफराज भी घायल हो गया, साथ ही ईंट पत्थर भी चलाया गया। इसके बाद आसपास के मुस्लिम संगठन के लोगों ने नगर थाना में इसकी लिखित शिकायत की। सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर 10 से 12 की संख्या में अपना अलग संगठन बना रहे अभियुक्तों को गिरफ्तार कर थाना ले गए। गिरफ्तार हुए अभियुक्त में मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद इरफान, मुदस्सिर हफजल, मोहम्मद माज, नूरुल इस्लाम, मोहम्मद हनीस, मोहम्मद हैदर, मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद तौसीक, अमान हसन शामिल है। गिरफ्तार आरोपी रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग व गिरिडीह का बताया जा रहा है। बताया गया कि सभी ने मिलकर एक मुस्लिम संगठन बनाया है। लोगों ने बताया कि दरभंगा के मुस्लिम मनहंदी शकील बिन हनीफ नामक एक संगठन बनाया गया है। भंडारीडी के एक आवास में रहकर कम पढ़े लिखे मुस्लिम संगठन के लोगों को बरगलाकर अपने संगठन में शामिल करने की साजिश रची जाती है। यह सभी उग्रवादी के तौर पर कार्य करता है, लोगों को अपने गिरोहों में शामिल कर दरभंगा ले जाते हैं। इसका विरोध करने पर जान से मारने की भी धमकी दिया जाता है। डीएसपी संजय राणा और नगर थाना प्रभारी आर्यन चौधरी के नेतृत्व में सभी से पूछताछ की जा रही है। पुलिस प्रशासन ने कहा कि दोषी पाए जाने पर सभी के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जुमे की नमाज के बाद कब्रिस्तान जा रहे थे हम लोग। इसे कुछ दिन पहले उन लोग के साथ कुछ घटना हो चुकी थी कि उनके चार बंदे अभी जेल में हैं, तो उसी के सिलसिले में हम लोग को रोका, बातचीत हो रही थी और सडनली एक ने रॉड निकाला और मेरे सर पे मार दिया, हम गिर गए। फिर इसके साथ भी मारपीट हुआ, फिर और भी बहुत सारे लोग फिर आ रहे थे, तो फिर वो लोग आए तो फिर भागा वो लोग। क्या मामला था? मेन मामला मकसद क्या बिन हनीफ का था, वो दूसरे मसलक के लोग हैं, वो गुमराही फैला रहे हैं मुसलमानों में, तो इसी चीज़ को लेके बात विवाद था जो पहले से भी बात चल रही है। हम लोग कहाँ कहाँ के लोग आए कहाँ सर? जहाँ तक पता चला है अभी सर, जमशेदपुर रांची हजारीबाग यहाँ के लोग थे और कुछ लोकल थे। तो पत्थरबाजी भी किया हम लोग? हाँ, पत्थर भी चलाया, ईटा भी था, ईटा भी चलाया है, रॉड और भुजाली भी निकाला है वो लोग मारने के लिए। मेरे को तो रॉड से मारा, हम गिर गए, उसके बाद फिर पता नहीं आगे। फिर कितने संख्या में होंगे उन लोग? आई थिंक 12-15 थे। आप लोग कितने लोग घायल हैं? हम लोग दो घायल हैं, बाकी कुछ लोगों का सर टूट फटा है और चोट लगा है। इन लोग हम लोग का आखिरी नदी जो आप सल्लम है कहता है नदी अब नहीं रहे। अब जो शकील बिन हनीफ जो दरभंगा का जो आदमी है बोलता है कि वही ईसा है, वही मेहंदी है, अब यही पैगंबर है, समझे? इसको मानो नहीं तो तुम लोग का कत्लेआम कर रहे हैं। इन लोग एक गिरोह बना रहा है, मतलब कि ये क्या बोलते हैं उग्रवादी संगठन बना रहा है। और कोई मामला कभी थाना आप लोग आए हुए क्या मांग रहे हैं? थाना एक इन लोगों को चालान कराने के लिए, मारपीट जो किया है, जो ये गिरोह चला रहा है उसको खात्मा करने के लिए, मतलब अपने गिरोह में शामिल करने के लिए। हाँ, इन लोग छोटा छोटा लोगों को, जो कम पढ़े लिखे लोगों को, सबका माइंड वॉश करता है, समझे? और उसका माइंड वॉश करके फिर दरभंगा ले जाता है, शकील बिन हनीफ से इन लोग को मिलाता है। इन लोग कितना दिन से रह रहा है इसका तो जानकारी पूरा नहीं है, तीन चार साल से इन लोगों का काम चल रहा है। हम लोग को एक साल से मालूम है, जिसमें से चार लोग पहले से भी अंदर है, पहले से इसी केस में अंदर है। कोई बैनर नहीं, इन लोग का एक आदमी है शकील बिन हनीफ दरभंगा का, बोलता है उसी को मानना। प्रदेश पिछड़ी जाति मोर्चा द्वारा दिनांक 5, 6 एवं 7 अगस्त 2022 को
मधुबन गिरिडीह में होने वाली पिछड़ी जाति मोर्चा के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की तैयारी हेतु आज सेवानिवृत्त इंजीनियर विनय कुमार सिंह, प्रदेश प्रवक्ता ओबीसी मोर्चा भाजपा के आवासीय कार्यालय बेड़ा गिरिडीह में प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के कई जिलों से कई पदाधिकारी शिव प्रसाद साहू, मनोज गुप्ता, सुमित शर्मा, रामजी कुशवाहा, विपिन कुमार, अजय शर्मा सम्मिलित हुए। बैठक में कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु प्रदेश अध्यक्ष द्वारा कार्यों का विधिवत बंटवारा करते हुए पूरे कार्यक्रम पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालते हुए बताया कि उक्त अवधि में 15 सत्र चलेंगे, उसके अलावा सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय गीत सहित अनेकों कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें पिछड़ी जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, प्रदेश स्तरीय के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, केंद्र राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, पूर्व मुख्यमंत्री सह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आदि अनेकों गणमान्य नेता भाग लेंगे। भाजपा जिला महामंत्री सुभाष चंद्र सिन्हा ने बताया, गिरिडीह जिले के लिए गौरव की बात है कि प्रदेश स्तरीय का प्रशिक्षण शिविर गिरिडीह जिले में तय हुआ है, इसमें जिला कमेटी का भी सहयोग रहेगा। उक्त बैठक में विनय कुमार सिंह, अर्जुन प्रसाद वर्मा, छोटेलाल यादव, शिव प्रसाद साहू सहित कई लोगों ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु अनेकों सुझाव दिया। पार्टी पिछड़ा जाति मोर्चा का प्रदेश का 3 दिवसीय प्रशिक्षण 5-6-7 प्रदेश अध्यक्ष झारखंड भारतीय जनता पार्टी सह सांसद श्री दीपक प्रकाश जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष झारखंड श्री बाबूलाल मांडी जी और माननीय श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, केंद्र के शिक्षा राज्य मंत्री हैं और स्थानीय सांसद हैं, और इसके अलावा श्री रघुवर दास जी, माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, श्री धर्मपाल जी, माननीय संगठन महामंत्री और प्रदेश के और लगभग 250 से अधिक लोगों का प्रशिक्षण पूरे प्रदेश स्तर के लोगों का यहाँ पर होना है, उसी की तैयारी हेतु आज पहली बैठक के निमित्त में आया। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अमरदीप यादव जी के निर्देशानुसार ये दूसरी बैठक हम लोग यहाँ बेड़ा में कर रहे हैं। जैसा कि सर्वविदित है कि 5-6-7 सितंबर को मधुबन में 3 दिवसीय पिछड़ी जाति मोर्चा का प्रशिक्षण शिविर लगेगा और जिसमें राष्ट्रीय से लेकर के प्रदेश स्तर के तमाम नेता, जैसे अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि हमारे ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारी जो है सब अध्यक्ष और महामंत्री और प्रदेश के जितने भी सम्मानित संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह जी, महामंत्री आदरणीय नगेंद्रनाथ त्रिपाठी जी, आदरणीय रघुवर दास जी, आदरणीय दीपक प्रकाश जी, अन्नपूर्णा देवी जी, बाबूलाल मरंडी जी, ये तमाम नेता आएंगे और काफ़ी पूरे ओबीसी मोर्चा के प्रदेश के तमाम जो है कार्य समिति सदस्य, पदाधिकारी और सक्रिय कार्यकर्ता इसमें मधुबन में भाग लेंगे। उसी की तैयारी के लिए आज जो है प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में यहाँ एक बैठक हो रही है, जिसमें सभी को दायित्व दिया जा रहा है। निश्चित रूप से ये गिरिडीह जिला के लिए चुनौती भरा हुआ काम है और गिरिडीह इस चुनौती को स्वीकार कर रहा है और ये ओबीसी मोर्चा एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी का एक अंग है और इसमें भारतीय जनता पार्टी के वो हमारे मूल यहाँ पार्टी है, उन तमाम साथियों को, हर मोर्चे के साथियों से इसमें हम लोग सहयोग प्राप्त करेंगे और इसको सफल बनाने का काम करेंगे। धन्यवाद। अजय कुमार ने एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ विवादास्पद बयान देने के खिलाफ गिरिडीह भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को शहर के जेपी चौक पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। इस बाबत भाजपाइयों ने एक सुर में कहा कि डॉक्टर अजय कुमार राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज और पूरे भारत के लोगों से माफी मांगे। भाजपा नेताओं ने कहा कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति का इस तरह से देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान होने जा रही महिला पर विवादास्पद बयान देना शर्म की बात है।
जल्द से जल्द डॉक्टर अजय कुमार आदिवासी समाज और देश के नागरिकों से माफी मांगे। सोनिया गांधी से मांग करते हुए कहा कि इस तरह के लोगों को पार्टी से अविलंब निकाल देने का काम करे। कांग्रेस पार्टी को यह पता है कि एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ही भावी राष्ट्रपति होने वाली है, इसलिए कांग्रेस पार्टी द्वारा विवादित भाषा का प्रयोग किया गया। भारतीय जनता पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। मालूम हो कि कांग्रेस के प्रवक्ता रह चुके डॉक्टर अजय कुमार द्वारा बुधवार को द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ विवादास्पद बयान में कहा गया था कि द्रौपदी मुर्मू भारत के सैतानी दर्शन का प्रतिनिधित्व करती है, हमें उन्हें आदिवासियों का प्रतीक नहीं बनाना चाहिए, जिसके बाद भाजपा की ओर से लगातार तीखी प्रतिक्रिया दी जा रही है। इसी के विरोध में गिरिडीह में भी भाजपाइयों ने कांग्रेसियों का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर प्रभारी महापौर प्रकाश सेठ, नुन्नू लाल मरांडी, सुभाष चंद्र सिंह, विनय सिंह, दिलीप वर्मा, मनोज संघाई, नवीन सिन्हा, मुकेश जलान, संदीप टंकेज, दीपक स्वर्णकार, सुरेंद्र लाल, संगीता सेठ, सालिनी बेसिकिया, उषा कुमारी समेत सैकड़ों भाजपाई उपस्थित थे। उसी को मैं क्या खिलाना, पार्टी कांग्रेस पार्टी ने जो पिछले आज़ादी के पहले भी आज़ादी के बाद भी जो के यहाँ के जो भारतवर्ष के आदिवासी के साथ, पिछड़ों के साथ, दलित के साथ तो जिस प्रकार से राजनीतिक राष्ट्रीयकरण के राजनीति करने का काम किए, ये भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। और जिस प्रकार से भी अजय कुमार जी ने जो आदिवासी विरोधी या शैतानी रूप का नाम देने का काम किया, ये लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है। लोकतंत्र के लिए बहुत ही निंदनीय शब्द है। इसको जितना भी खंडन किया जाए उतना ही कम है। कार्य से चूंकि हम आदिवासी समाज से हम भी आते हैं और आदिवासी समाज पूरे देश के अंदर में पूरा आंदोलित है, आक्रोशित है। और श्रीमती सोनिया गांधी जी से भी, राहुल गांधी से भी मांग करते हैं कि इस प्रकार की ओसी राज करने में राजनीति पार्टी से अविलंब उसको निष्कासित किया जाए, सस्पेंड किया जाए, बर्खास्त किया जाए और उसके ऊपर में कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कार्यक्रम भाई कांग्रेस की जो दलित विरोधी आदिवासी विरोधी नीति है और जिस तरह से उनके नेता डॉक्टर अजय कुमार ने अपने भाषण में प्रेस मीडिया के सामने जो बातें कही है, उसके लिए उनको दलित समाज से, आदिवासी समाज से और पूरे देश के नागरिकों से माफ़ी मांगना चाहिए। किसी के बारे में कोई टिप्पणी करने के पहले एक राजनीतिक व्यक्ति को, एक सामाजिक कार्यकर्ता को उन मर्यादाओं का, मानदंडों का जरूर ख्याल रखना चाहिए। और डॉक्टर अजय तो पढ़े लिखे व्यक्ति रहे, बड़े अधिकारी रहे, कम से कम देश उनसे ऐसा उम्मीद नहीं करता है कि ऐसे ओछी और वो घटिया बयान करेंगे। इससे पूरे देश में आप देख रहे हैं अभी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की नाराजगी है, आम लोगों में कितनी नाराजगी है। इसीलिए पार्टी ने विदेश में आज हम लोगों ने यहाँ जेपी चौक पर उनका, सोनिया जी का और राहुल गांधी जी का पुतला दहन किया है हम लोगों ने। हम ये भी निवेदन करना चाहेंगे कांग्रेस के अध्यक्ष से कि ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर करना चाहिए और देश से माफ़ी मांगना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। गुरु महामहिम राज्यपाल आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को अभी देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के द्वारा जो है उम्मीदवार बनाया गया और उसकी जीत भी सुनिश्चित है। मैं भी उन्हें दिन बधाई देता हूँ, क्योंकि तो भारतीय जनता पार्टी की ये सोच है कि एक जनजातीय महिला जो योग्य है, हर तरह से योग्य है, राज्यपाल रह चुकी है और जो है महिलाओं को सम्मानित करने का भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, सशक्तिकरण करना है, इस दृष्टिकोण से उनको उम्मीदवार बनाया गया है। दूसरी तरफ जहाँ की कांग्रेस पार्टी पूरे देश से खत्म हो रही है तो अनर्गल जो है टिप्पणियाँ कर रहा है, उस आलोक में आदरणीय द्रौपदी मुर्मू के विरुद्ध जो है अनर्गल टिप्पणी डॉक्टर अजय कुमार कांग्रेस के द्वारा किया गया है, जो बिल्कुल ही भर्सना लायक है। हम लोग घोर निंदा करते हैं और हम लोग मांग करते हैं कि डॉक्टर अजय कुमार इस चीज़ के लिए सार्वजनिक रूप से जो है माफ़ी मांगे कि हमसे गलती हो गई।
ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नता प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, सुइटेड आउटडोर कंप्यूटर क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, बोर्डिंग एंड ग्रीन कैंपस, रिच लाइब्रेरी, आर्ट इन क्लास, स्विमिंग क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्कूल, टॉप क्लासेस, ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा के कुशल प्रबंधन व प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहां के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले विद्यालय में क्लास नर्सरी से 12 तक का नामांकन प्रारंभ हो गया है, तो आप अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114 मोदी लेदा गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावासीर, गोल्ड ब्लैडर स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1,000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया मगतपुर सवेरा रोड, ग्रीडी कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहां ग्रीडी के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, COD ग्रीडी। संगीता की ब्यूटी ब्यूटी पार्लर आपके सौंदर्य में 4 चांद लगाए। जी हाँ, हमारे पार्लर में यहाँ आपको ब्लीच, फेशियल, थ्रेडिंग, हेयर कटिंग, हेयर स्प्रे, हेयर स्ट्रेटनिंग परमानेंट, हेयर केराटिन ट्रीटमेंट, हेयर हाइलाइटिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर, ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, SD मेकअप, दुल्हन मेहंदी के साथ ही यहाँ लोरियल एवं मैक क्रीम के प्रोडक्ट का उपयोग किया जाता है। हमारे पार्लर में आने वाले ग्राहकों के लिए 50% की छूट दी जा रही है। हमारे पार्लर में जरूर आए, ऑफर सीमित समय के लिए, आपके रूप में आएगा और निखार जब आएंगे आप हमारे संगीता की ब्यूटी ब्यूटी पार्लर के द्वार। एक बार आएंगे फिर खुद को नहीं रोक पाएंगे। हमारा पता संगीतापुरी TVS शोरूम के बगल में, अलकापुरी गिरिडीह। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2021 से 2024 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की। बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है, तो देर किस बात की। आइए, हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बर रोड, GD बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल, कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में। गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, DAV, SSBM, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट पैंट, जीन्स, टी शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक टॉप, नाइटी, गरारा सरारा,
लहंगा चुनरी गाउन प्लाजो बावा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे, हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस कचहरी चौक गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गिरिडीह पचम्बा रोड बोड़ो स्थित गैल गैस लिमिटेड में ड्राइव इन पेट्रोल पंप के निर्देशक प्रमोद अग्रवाल के नेतृत्व में हिंदुस्तान पेट्रोलियम का 48वां स्थापना दिवस पर रक्तदान शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पंप के कर्मचारियों द्वारा 8 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया। वहीं इसके बाद भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा 166 CNG स्टेशन का ऑनलाइन उद्घाटन किया गया, जिसमें ड्राइव इन पेट्रोल पंप भी एक स्टेशन था, जिसका विधिवत रूप से शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के दौरान पंप के निर्देशक प्रमोद अग्रवाल ने बताया कि प्रदूषण मुक्त भारत बनाने के लिए भारत सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी के एक कड़ी CNG है, जो प्रदूषण मुक्त में काफी कारगर साबित होंगे। कार्यक्रम में HPCL के डीलर सहित पेट्रोल पंप के कई कर्मचारीगण मौजूद थे। आज है और इस अवसर पे पूरे भारतवर्ष में जितनी भी CNG स्टेशंस नई खुली हैं उनका आज उद्घाटन हुआ है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा ऑनलाइन किया गया है और इस अवसर पे ये भव्य आयोजन हुआ है, जिसमें आज हम लोग ब्लड बैंक के सहयोग से, रेड क्रॉस के सोसाइटी के सहयोग से हम लोग ने 8 यूनिट ब्लड भी यहाँ रक्तदान शिविर लगा कर संग्रह किया है। और यहाँ पे जो कुछ देख रहे हैं, जेल के ऑफिसर्स भी आए हैं और ये बहुत बड़ा आयोजन हुआ है आज। और हम लोग उम्मीद करते हैं ये ग्रीन गैस में जो ये कदम है हमारे प्रधानमंत्री का और पेट्रोलियम मिनिस्टर का, कि पूरे हिंदुस्तान में ग्रीन गैस सब जगह जाए, खाने कुकिंग गैस के माध्यम से भी ग्रीन गैस डिस्ट्रीब्यूशन हो और कम से कम पॉल्यूशन हो और पर्यावरण की सुरक्षा की जाए, तो इस पे ये कदम है। और उम्मीद करते हैं कि और भी ऐसे स्टेशंस खुलेंगे CNG के और जितना पर्यावरण में जो अभी दूषित हुआ है उसमें, और जो जो हम लोग ओजोन होल देख रहे हैं वो उसमें बहुत हद तक सुधार होगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई के कार्यकर्ताओं ने गिरिडीह कॉलेज परिसर पहुंचकर प्रैक्टिकल परीक्षा में विद्यार्थियों द्वारा राशि की मांग के एवज में जमकर हंगामा किया। बताया गया कि स्नातक सेमेस्टर 6 भूगोल विषय के छात्रों से प्रैक्टिकल के नाम पर 100 रुपए की मांग भूगोल के HOD सीताराम बनवाल द्वारा किया जा रहा है, जिसके बाद इसकी जानकारी ABBP को दिया गया। मामले की जानकारी मिलते ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कॉलेज इकाई के कार्यकर्ता कॉलेज पहुंचकर जब इस बात की जानकारी मांगी तो सीताराम बनवाल ने कहा कि प्रैक्टिकल में बाहर से एक्सटर्नल आते हैं, उनके रहने खाने को लेकर स्टूडेंट से पैसा लिया जा रहा। फिर प्राचार्य डॉक्टर समीर सरकार के पास पहुंचकर इस बारे में पूछे जाने पर प्राचार्य ने कहा कि मुझे इस विषय में कोई जानकारी नहीं है, अगर प्रैक्टिकल के नाम पर पैसा लिया जा रहा है तो यह गलत है। एक्सटर्नल के लिए जो बाहर से आते हैं उनको यूनिवर्सिटी से भत्ता मिलता है। ABBP के कार्यकर्ताओं ने बताया कि इन दिनों कई स्कूल और कॉलेजों के शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों से प्रैक्टिकल और आंतरिक परीक्षा के नाम पर पैसा वसूली करने का काम किया जा रहा है, जिसको ABBP कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। बताया गया कि प्राचार्य महोदय ने आश्वासन दिया है कि इसकी जांच की जाएगी। जो स्टूडेंट नहीं गया है उन पर भी दबाव बना रहा है कि तुमको भी देना होगा तो भी एग्जाम तुमको प्रैक्टिकल नंबर अच्छा मिलेगा। और हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तरफ से जब हम लोग को सूचना मिला यहाँ के स्टूडेंट के लोग से, तो हम लोग आए और स्टूडेंट लोग से भी हम लोग बात करके जब स्टूडेंट लोग के पास गए, स्टूडेंट लोग बताया कि ऐसा सही में हो रहा है
और जब स्टूडेंट लोग से हम लोग बात करने के बाद कुछ ऑडियो है वीडियो है हम लोग पास वो रखने के बाद सर से बात किए, सर आके इन लोग को दबाव बनाकर कि ऐसा कुछ भी नहीं करना है, और सर अभी इन लोग को बता रहे थे कि तुम लोग पढ़ाई लिखाई करके आते हो जो प्रैक्टिकल का पैसा नहीं दोगे जो न मामला है क्या क्या स्टूडेंट जो आरोप लगा रहे हैं पैसा लेने का आप पर इन लोगों को समझता है ये लोग हम पर आरोप लगाने लगाता है तो इस तरह का कोई बात है पैसा मांग रहे थे कितना लिया गया था वो तो वही लड़का लोग बता नहीं आप अभी बता रहे थे कि कुछ लिया जाता है लड़के लोग मैनेज करता है उन लोग को रहने खाने की व्यवस्था करता है किनके रहने खाने की एक्सटर्नल हैं एक्सटर्नल को रहने खाने कहाँ से आते हैं एक्सटर्नल दूसरे किसी कॉलेज से आते हैं ये जो आए हुए थे एक्सटर्नल कहाँ से आए हुए बरी चौक पर हजारीबाग बरी से कितने लोग आए एक आदमी उनके लिए लिया जा रहा था क्या यूनिवर्सिटी से डायरेक्शन यूनिवर्सिटी से सब नहीं पता नहीं निर्देश है क्या नहीं कोई निर्देश नहीं बगैर किसी निर्देश के लिया जा रहा है तो मैनेज करता है लोग अपना मांग रहे थे प्रैक्टिकल के लिए टूर पर ले जाने के नाम पर कि जो एक्सटर्नल आते हैं उनको मैनेज करने के लिए हमको करना पड़ता है मतलब पर स्टूडेंट 6 to 1000 के लगभग 600 to 1000 क्या मतलब आपकी नॉलेज जानकारी में आया है क्या सर ना नहीं ये तो कोई स्टूडेंट भी मेरे पास कोई शिकायत नहीं लाया है जी इस विषय में तो कोई जानकारी नहीं है अगर जानकारी होता तो हम डायरेक्ट वो शिक्षक से पूछताछ करते कि क्या बात है तो सामने ही बात हो जाती लेकिन ऐसा तो हम पहली बार इस विषय में हमारा कोई मतलब सर को पहली बार ये मिला मतलब सर की जानकारी में नहीं है उनको जानकारी में नहीं है तो अब क्या मतलब जब जानकारी आपसे आपके जरिए जो हम जाने तो हम अभी जरूर पूछेंगे कि क्या बात है ऐसा कि किस तरह से किस आधार पर हम ऐसा सुन रहे हैं और इसके पक्ष में आपको क्या कहना है ये तो ज़रूर हम उनसे पूछेंगे है ना उनसे बोला जा रहा है कि जो बाहर से एक्सटर्नल आएंगे उनके रहना खाना वो सब खर्चा के लिए पैसा लिया जा रहा है एक्सटर्नल को तो यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं पड़ता है तो उसी नाम पर पैसा लिया जा रहा है वो खुद भी मान रहे हैं खुद मान भी रहे हैं वो ऑन कैमरा बोले हैं वो ऑन कैमरा बोले हैं तो तब तो ये वो अपने ही कहा जब तब तो इसके अगेंस्ट में हम क्या कहें लेकिन हमको तो ये कोई जानकारी इवन वो हमको नहीं बताया सुरक्षित पलायन और महिला अधिकार विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन उत्क्रमित मध्य विद्यालय चत्रोपीर टाण में किया गया कार्यशाला में इमाम हुसैन फातमी मुख्य अतिथि स्वरूप शामिल हुए कार्यशाला में ग्राम पंचायत तुयो के ग्राम चत्रो बारी टाण चपरी कोल्हू टाण बासो टाण में घटित प्रवासी मंच से जुड़े लोगों ने भाग लिया जागो फाउंडेशन गिरिडीह के सचिव बैद्यनाथ ने कहा कि पलायन करना सभी का अधिकार है लेकिन सुरक्षित तरीके से पलायन कैसे करें यह आवश्यक है इसके लिए श्रम विभाग में सरकार द्वारा व्यवस्था किया गया है श्रम विभाग में प्रवासी मजदूरों का निबंधन किया जाता है निबंधन कराने से कई तरह का लाभ मिलता है इसके लिए संस्था द्वारा जागरूकता कार्य कर रही है मुख्य अतिथि स्पार्क रांची के इमाम हुसैन फातमी ने कहा कि निबंधन करा कर पलायन करने से कई तरह के परेशानियों से बचा जा सकता है इस मौके पर रंजन सुरेखा कुमारी रेणु कुमारी संस्था के चिंता कुमारी सेविका मिताली हेमरेम पुष्पा बेसरा छोटूलाल बेसरा चाइल्ड लाइन गिरिडीह के पार्वती कुमारी ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए ग्राम चत्रों के किशोरियों ने पारंपरिक तरीके से अतिथियों का स्वागत किया कार्यशाला में मंच संचालन संस्था के राजू महतो ने किया जबकि चिल्ड्रन लाइन गिरिडीह के कामेश्वर कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन किया आज के अंक में बस इतना ही तब तक के लिए दीजिए पूरे टीम को इजाजत नमस्कार